हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जो हम बात करने वाले हैं, मोटोरोला की तरफ से दो नई स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दी गई है इंडिया में, मोटो G7 और मोटोरोला वन। यही दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च की गई है मोटोरोला की तरफ से, और इसके प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट टेक न्यूज़ हर दिन पाने के लिए। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, मोटोरोला ने मंडे को अपना ये दोनों फ़ोन लॉन्च कर दिया है, वो है मोटो G7 और मोटो वन। और मोटो G7 आपको अवेलेबल होगा इंडिया में ₹16,999 पे, और मोटो वन आपको अवेलेबल होगा इंडिया में ₹13,999 पे वाया फ्लिपकार्ट, मोटो हब स्टोर्स, और आपके सिटी में जो भी बड़ी मोबाइल की दुकान है, अच्छी मोबाइल की दुकान है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, अगर वहाँ आ गया होगा तब। लेकिन फ्लिपकार्ट और मोटो के हब स्टोर्स पे आपको ये फ़ोन हमेशा अवेलेबल रहेगी, और ये फ़ोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो पिछले साल ही 2018 में मोटो G6 सीरीज़ लॉन्च हुआ था, और वो G7 सीरीज़ जैसा ही कुछ था, लेकिन G7 सीरीज़ उससे काफ़ी अच्छा है, आप इसे ट्राई करके देखिए। मोटो G7 अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन मोटो G7 के सीरीज़ में आपको मोटो G7 प्लस, मोटो G7 पावर, मोटो G7 प्ले, ये तीनों फ़ोन्स अभी लॉन्च हुई है, और मोटो G7, चार फ़ोन्स लॉन्च हुई है मोटो G7 सीरीज़ की। और इसमें से एक फ़ोन का मैंने रिव्यू किया है, उसका मैं आपको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं मोटो G7 पावर के बारे में। मोटो G7 पावर के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। आगे हम बात कर लेते हैं, तो मोटोरोला ने कहा है कि मोटो G7 सीरीज़ का और भी फ़ोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो आप इंतज़ार करिए। तो ये जो मोटो G7 सीरीज़ का चारों फ़ोन लॉन्च हुआ है अभी इंडिया में, उसमें आपको अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस, मतलब बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस, आपको लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। और मोटो G7 सीरीज़ के सारे फ़ोन्स में आपको दो रियर कैमरास देखने को मिलेंगी, और नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और प्रीमियम डिज़ाइन और ग्लॉसी बैक फिनिश आपको देखने को मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा होने जा रहा है ये मोटो का सीरीज़, मोटो G7 सीरीज़ बहुत अच्छा होने जा रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं मोटो G7 जो अभी लॉन्च हुआ है उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो मोटो G7 में आपको अल्ट्रा वाइड 6.2 इंच का मैक्स विजन फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ यू डिज़ाइन, और स्मार्टफोन में आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, और रियर कैमरा में आपको बहुत अच्छे अच्छे मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, स्पॉट कलर मोड, सिनेमेग्राफ मोड, ऑटो स्माइल कैप्चर, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड गूगल लेंस भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, और कैमरा में जो मोड्स आपको प्रोवाइड की गई हैं वो भी बहुत अच्छी है। आगे हम बात कर लें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर दिया गया है, और एंड्रॉयड 9 पे चलता है ये, मतलब एंड्रॉयड पाई पे चलता है। और इसमें आपको 15 वॉट का टर्बो पावर चार्जर दिया गया है, जिसमें कि आपको एक नई तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, मतलब आप सिर्फ 15 मिनट चार्ज करिए और आपका फ़ोन 9 घंटा का बैटरी बैकअप देगा। और इस फ़ोन में आपको 4 GB का रैम दिया गया और 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है। बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस और बैटरी बैकअप आपको दी गई है मोटोरोला की तरफ से, और स्पेसिफिकेशंस भी बहुत अच्छी दी गई है मोटोरोला की तरफ से। आगे अगर हम बात कर लें, तो मोटोरोला का एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है इंडिया में मोटो G7 के साथ, हुआ है मोटो वन। आगे हम उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, तो ये बहुत ही नया फ़ोन है मोटोरोला का, बहुत अच्छा फ़ोन है। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में, तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमराज प्रोवाइड किया गया है, और इसमें आपको प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर, और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इसमें 5.9 इंच मैक्स विजन कलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने पिछले फ़ोन में बताया, मोटो G7 जैसा ही इसमें आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इसमें 15 वॉट का टर्बो चार्जर दिया गया है, मतलब कि आप 15 मिनट चार्ज करेंगे और 9 घंटा का बैटरी बैकअप आपको ये प्रोवाइड करेगा।
मतलब बहुत अच्छा बैटरी आपको प्रोवाइड किया गया है मोटरोला की तरफ से। आगे अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको 4GB का रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी फ़ोन्स लॉन्च किए मोटरोला की तरफ से, मोटो G7 और मोटो One, दोनों ही बहुत अच्छी फ़ोन्स हैं और स्पेसिफिकेशंस और स्टोरेज और रैम के हिसाब से दोनों फ़ोन सिमिलर लग रही हैं। आपको जो फ़ोन अच्छा लगता है आप ख़रीद लीजिए। अभी बहुत सारे साइट पे ऑफ़र भी चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको जहाँ सस्ता मिल जाए आप वहाँ इसे ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।